क्या सोनिया गांधी का यह आखिरी प्रयास है राहुल गांधी को जिताने के लिए? क्योंकि वायनाड के अंदर उनको लगता है कि जो चुनाव है वो हार जाएंगे राहुल गांधी, और जिसकी वजह से भाग करके चले आए रायबरेली के अंदर। माताजी उनकी सोनिया गांधी हमेशा लड़ती थी, लेकिन इस बार हुआ क्या, बोली कि हमारा तबीयत खराब है जिसकी वजह से रायबरेली से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन हमेशा जो चुनाव लड़ा करते थे राहुल गांधी जी, वो लड़ा करते थे अमेठी से, लेकिन अमेठी से भाग करके चले आए। चुनाव जब से हारे स्मृति ईरानी जीती है, 5 साल हो गया, लेकिन उस तरीके से उनको त्याग दिया, अमेठी को त्याग दिया राहुल गांधी ने कि 5 साल तक दोबारा मुड़कर नहीं आए। उन्होंने विवादित बयान भी दिया उत्तर प्रदेश वालों को, जो उत्तर में रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो उत्तर के लोग होते हैं उनके पास दिमाग नहीं होता, मंद बुद्धि होते हैं, और दक्षिण के लोग बहुत ज्यादा टैलेंट एक्सपीरियंस वाले होते हैं। लगातार विवादित बयान देते रहे, 5 साल के बाद वो दिखाई दिए, अमेठी से भाग करके चले आए रायबरेली के अंदर। अब एक आंकड़ा समझते हैं कि रायबरेली क्या लगता है राहुल गांधी का सेफ सीट है, ये भी बड़ा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली बार रायबरेली से जीत नहीं है क्या चुनाव? रायबरेली से 1996 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनकी तो जमानत जब्त हो गई थी, लगभग 2,500 शायद उनको वोट मिले थे, जमानत जब्त हो गई थी कांग्रेस की। ठीक 1998 में भी अशोक सिंह ने चुनाव जीता रायबरेली से। तो बीजेपी के लिए ये एक बार नहीं कि पहली बार रायबरेली के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है और जीत जाएगी ना, बीजेपी 2 बार जीत चुकी है पहले ही। और इस बार थोड़ा आंकड़ा निकालते हैं, 2009 में सोनिया गांधी को जो वोट मिले थे, यानी जब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा नहीं था, 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, लेकिन 2009 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा में, सोनिया गांधी को 72% वोट मिले थे। ठीक 2014 में बात किया जाए तो 2014 में 64% सोनिया गांधी को वोट मिल गया था, यानी 72% से सीधा 64% मोदी जी का चेहरा था जिसकी वजह से वोट घट गया। फिर आते 2019 का लोकसभा चुनाव में कितना मिला, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 56% वोट मिला रायबरेली से सोनिया गांधी को। मार्जिन हुआ करता था 2.5 लाख-3 लाख से वोट से जीता करती थी, लेकिन इस बार जब चुनाव हुआ बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह उन्होंने 1.5 लाख से क्या कहते हैं वो चुनाव हारे थे। अगर इस बार भी, और देखते हैं कि 2014 से आने के बाद बीजेपी को कितना परसेंटेज वोट मिला, 2009 में बीजेपी जो थी भारतीय जनता पार्टी मात्र जो उनको वोट मिला करता था 4%, 2009 का आंकड़ा निकालेंगे तो रायबरेली के अंदर 4% मात्र वोट मिला करता था। ठीक 2014 में आते हैं, 2014 में 4% से सीधा पहुंच गया 21% वोट मिला, सोचिए सीधा कितना उछाल, 14, 26, 6 ये हो गया और 11 आप जोड़ लीजिए कितना परसेंट का उछाल है। फिर उसके बाद 2019 का जब हुआ तो 2019 में 38% वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को। और इस बार भी अगर कहीं हुआ, गलती से भी हुआ, यानी 17-18% समझ लीजिए हमेशा चुनाव पड़ता, तो राहुल गांधी का लुटिया डूब जाएगा, चुनाव यहां से भी हार जाएंगे। और थोड़ा निकाले, मायावती की पार्टी ने, बीएसपी पार्टी ने वहां से बड़ा कमाल का टिकट दिया, यादव जी को टिकट दे दिया, क्योंकि ओबीसी को मिलाकर और एससी कास्ट को मिला करके जो वोट पड़ता है एससी का 34% जो है वोट है रायबरेली के अंदर, और ओबीसी का है 23%, यानी ओबीसी जो कास्ट है उससे 23% है, टोटल जोड़े तो 57% वोट है। तो मायावती की पार्टी ने क्या किया है, यादव को उतार दिया है चुनाव में, तो यादव का भी वोट मिल जाएगा, ओबीसी का मिल जाएगा, एससी का मिल जाएगा। तो चांस ये भी है कि हो सकता है बीएसपी पार्टी से भी जीत जाए, अगर ये लोग एक हो गए तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी या बीजेपी भी हार सकती है। आपका क्या कहना कमेंट करके जरूर बताइए।